वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में अपने शेयर करने वाली नॉर्मल मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अभी मैं पूरा अपना शेयर करने वाली हूँ। मॉर्निंग में वेकअप जब मैं उठती हूँ तो मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ अपना फेस को। फ्रेश होने के बाद में मैं जब भी बाथरूम में जाने जाती हूँ तो मैं अपने साथ में फेस वॉश लेके जाती हूँ, वो बायोटेक क्लेरिना है। एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलना है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस कैलरीना एंटी एक्ने फेस वॉश जेल, कैलरीना क्लीननेस स्किन कंट्रोल एक्ने, और ये आपको मिल जाएगा 60 ml के पैकेज में। एंड प्राइस इज ऑलरेडी मेंशन है 84 rupees, आपको कहीं कहीं जगह पे 80 rupees में मिल जाएगा। तो मैं इसी से फेस वॉश करती हूँ। मैं अभी आपके साथ में फेस वॉश करूँगी इसका। नॉर्मल जब मैं उठती हूँ, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ, बट मैं जब आई एम टेकिंग बाथ तब मैं इसका यूज़ करूँगी, कैलरीना का, सुबह मॉर्निंग में। तो चलिए इसका देखते हैं एक बार। और हफ्ते में आप लोग करिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये हर्बल यूज का फेस स्क्रब है। तो फेस मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया है एंड उसके बाद में मैं थोड़ा सा अमाउंट में इसको लेने वाली हूँ, सेम अमाउंट में, कम अमाउंट में। एंड उसके बाद में आपको फेस पे लगाना है एंड आप इसको धीरे धीरे, बिकॉज आपकी जैसे भी जैसे कि जो भी डेड स्किन होती है, जैसे सेल्स होती है, वो स्किन में अंदर जाके पार्टिकल्स को धीरे धीरे, जैसे कि आपके एक्ने प्रॉब्लम होती है या फिर आपके जैसे नोज के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के आपको जो छोटे छोटे जो बाल वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। एंड इस तरीके से आप इसको जेंटली धीरे धीरे करके हाथों से यूज करके आपके जैसे कि इधर हो गया, फोरहेड पे हो गया, जेंटली मसाज करते हुए धीरे धीरे आपके नोज के पार्ट्स की तरफ एंड धीरे धीरे करके, बिकॉज इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। एंड आई ऑलवेज कवर माई नेक थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग पहना। आपको लगता है तो आप और भी ले सकते हैं, बट मेरे को लगता है इतना मेरे लिए काफ़ी है। ये स्क्रब है, ज़्यादा लेके भी कुछ नहीं होगा आपको, जितना चाहिए उतना ही लीजिए, बिकॉज मेरा फेस भी छोटा है ज़्यादा, ये तो बड़ा नहीं है इस वजह से। एंड अच्छी तरीके से आपको जो भी आप करते हैं, मतलब 1 से 2 मिनट तक एटलीस्ट आप रब किया कीजिए हल्के हल्के हाथों से। कभी भी आप ना एकदम जोर जोर से, मतलब एकदम से, मतलब एकदम हल्के हाथों से आपको करना है। एंड उसके बाद में आपको पानी से इसको धो लेना है। ब्लैक हेड्स की जैसे नोज़ के ऊपर हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम भी चल जाएगी, और उसके बाद में आपको वॉश कर लेना है। ध्यान कीजिए फेस स्क्रब आप करते हैं तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार ही कर लीजिए। जैसे कि अभी मैंने शेयर किया आपके साथ में स्किन केयर के लिए, तो मैंने फेस को वॉश कर लिया है। आप वीक में मैं 2 से 3 बार स्क्रब का यूज़ करती हूँ। नहाने के बाद में मैंने ये यूज़ कर ली हूँ, ये एलोवेरा जेल है। ये जो एलोवेरा जेल है वो है ग्रीन जेल, प्योर एलोवेरा जेल, स्किन जेल। एंड इसको 2021 तक यूज़ कर सकते हैं। इसके MRP 110 रुपये है। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये इस तरह से पैकेजिंग में आता है, ये एलोवेरा जेल इस तरह से फॉर्मेट में आएगा एंड बहुत अच्छा लगने वाला है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसी का यूज़ का ग्रीन लीफ इसी का यूज़ करके अपने फेस पे लगाने वाली हूँ इसी को। तो इसके बाद मैं इसी को मैं अप्लाई करने वाली हूँ फेस पे, थोड़ा सा फेस को वॉश करने के बाद में। एंड मैं थोड़ी सी मात्रा में इसको लेंगी जैसे किया, और इसके बाद में इसको एज ए प्राइमर मैं फेस पे लगाने वाली हूँ। एंड ये बहुत ही जेल फॉर्म में आता है, 1 सेकेंड में आपकी एलोवेरा जेल आपके, और उसके बाद में इस तरीके से पूरे फेस पे लगा लिया है मैंने इसको। एंड इसके बाद में तो इसके 2-3 मिनट बाद में अप्लाई करूँगी ये। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बिकॉज अब मेरे को गिव अवे भी अनाउंस करना था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुकी हूँ गिव अवे। और जो ये गिव अवे होने वाला है वो टोटली डिपेंड होने वाला है नॉट ओनली सब्सक्राइबर, आपको सब्सक्राइबर की नहीं है, बस ये बेस होने वाला है आप लोगों को वॉच टाइम के ऊपर। और वॉच टाइम भी कोई 1000 नहीं है, ना 800 है, ना 500 है, आपको सिर्फ
300 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। लाइक मैंने पहले रखा था 1 आवर का, जो अप्रोक्स 1.5 मंथ में कंप्लीट हुआ था, 1.5 मंथ्स में कंप्लीट हुआ था। तो इसमें मतलब है कि आपको 15 डेज में, यदि 15 दिन या 20 दिन तक आपने कंटिन्यू देख लिया, तो आप इजीली 300 का समथिंग आपको घंटे कंप्लीट करने हैं। तो आप रात को वीडियो चला के रख दीजिए, सुबह चला के रख दीजिए, तो टोटली बेस होने वाला है आप लोगों को वॉच आर के ऊपर डिपेंड। किसी ने 150 देखा, किसी ने 200 देखा, जो भी होगा आप मुझे वॉच टाइम, सबसे पहले आपको पहले अपनी सेटिंग में जाना है, क्लियर हिस्ट्री कर देना है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, उसके बाद में आप जितने भी वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते जा रहे हैं, जैसे 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, उसको मेरे को स्क्रीनशॉट भेजने हैं। इंस्टाग्राम पे उनको सारे स्क्रीनशॉट मिल जाने चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम जैसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, वैसे आप लोगों को भेजना है। 300 का टाइम इसलिए रख रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम की रख रही हूँ, समझ लो 1000 का इसलिए रख रही हूँ क्योंकि ठीक है। एंड हाँ, सेकेंड, आप लोगों को मेरे चैनल पर मिनिमम 5 लोगों को इन्वाइट करना है, ठीक है, 5 लोगों को, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लोगों को इन्वाइट करना है, ठीक है। बेस होगा ओनली बेस में, जिस पे बेस करके फॉलो करने वाली हूँ वो होगा सिंपल वॉच आर पे, ठीक है, सिंपल वॉच आर पे होने वाला है कि आप लोगों ने जितने ज़्यादा मेरे वीडियो को टाइम दिया, जितने घंटे दिए, उस पे बेस होके मैं ये विनर का नेम अनाउंस करने वाली हूँ। जैसे ही 300 कंप्लीट हो जाएंगे उसी दिन विनर का नेम अनाउंस हो जाएगा। अब वो आता है कि मैं प्राइस में क्या देने वाली हूँ, ठीक है। तो जितने भी लोग मेरे को 5 लोगों को इन्वाइट करो, उनको बोल देना कि वो फॉलो कर ले मुझे इंस्टाग्राम पे। आप पार्टिसिपेट करो तो मस्ट आपको सब्सक्राइब भी करना है, मेरे आने वाले सारे वीडियोस को कमेंट भी करना है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर जो भी कुछ भी कमेंट कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेस होने वाला है मेन वॉच टाइम के ऊपर। 300 वॉच टाइम जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो अब आता है कि क्या प्राइस देने वाले। प्राइस में आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ले सकते हो, चाहे नायका से ले सकते हो, चाहे पर्पल से ले सकते हो, जो यू कैन विन 200 रुपीज कैशबैक। चाहे तो आप नायका से प्रोडक्ट ले सकते हैं, चाहे अमेजोन से, ठीक है। सिंपल है कि मेरे मतलब बर्थडे आ गया है, तो इस चक्कर में मैं ये गिववे अनाउंस कर रही हूँ ताकि आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, और जुलाई में एंड तक आप लोग इजी, यदि जितनी जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है, 1 महीने में, 2 महीने में तो नहीं होगा, खैर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जब 1000 घंटे हम लोगों ने 1.5-2 महीने में कम्प्लीट कर लिए थे, तो ये तो हमारे पास 500 भी नहीं है, 300 वॉच टाइम है। तो आप जितना जल्दी ले सको देख के जल्दी से भेज दीजिए मुझे स्क्रीनशॉट, डेली के आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्टिसिपेट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, पार्टिसिपेटिंग गिव वे। तो आफ्टर मैं इसके बाद में आऊँगी इसमें बायोटेक का बायो सैंडलवुड, एंड इसके MRP है, आपको मिल जाएगा, ये है 1.76, 50 ग्राम के पैक में आता है। बायोटेक के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमसे नेचुरल्स होते हैं, एपिक्स होते हैं, एंड इसकी MRP मुझे याद नहीं है, बट जो भी होगा सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बस में इसमें SPF होता है, और आपको SPF चाहे बाहर जाए या ना जाए, लेकिन आपको SPF लगाना चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं। एंड तो इस तरह से क्रीमीनेस के फॉर्म में आता है, एंड थोड़ी सी मात्रा में इसको आपको फेस पे अच्छे से, एंड उसके बाद में दोनों हाथों से अच्छी तरीके से आपके जितने भी यूवी रेज होती है सन से प्रोटेक्ट करता है। आप घर में भी रहते हैं तो भी आपको इस क्रीम का यूज़ करना चाहिए। डन माय स्किन केयर, मैं ज़्यादा से कुछ करती नहीं हूँ। स्क्रब का यूज़ मैं वीक में 2 से 3 बार करती हूँ, 2 से 3 बार वीकली में, 2 से 3 दिन में 1 बार, मतलब आप बोल सकते हो 2 से 3 बार मैं स्क्रब करती हूँ। फेस मास्क का यूज़ मैं 20 दिन में 1 बार करती हूँ, या फिर कभी महीने में 1 बार यूज़ कर लेती हूँ, एंड ऐसा कुछ स्किन केयर नहीं है। साथ में मैं हफ्ते में मुल्तानी का जो मेरे पास पाउडर पैक रखा हुआ है उसको मैं लगाती हूँ, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो जस्ट मेरा नॉर्मल डेली में ही मेरा सिर्फ इतना ही रूटीन होता है, मैं फेस को वॉश करती हूँ नॉर्मल, जब मैं सुबह उठती हूँ तो जो नॉर्मल वाटर रहता है उसी से वॉश करती हूँ, उसके बाद में मैं ये बायोटेक के क्लिनर से फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद में ये एलोवेरा जेल लगाती हूँ, उसके बाद में SPF लगाना नहीं भूलती हूँ। उसके बाद यदि मेरे को बाहर जाना होता है, फिर कुछ भी जाना होता है, तो मैं अपने आँखों पे काजल लगाती हूँ, और उसके अलावा मैं लगाती हूँ कोई भी लिपस्टिक लगाती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, नॉट यूजिंग फाउंडेशन, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और इंडस्ट्रियल की जो डे लाइट क्रीम है उसका भी मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, आज से मैं रिसेंटली इसको यूज़ करने लग रही हूँ, एंड दैट्स इट। ऐसा कुछ मेरा था ही नहीं, एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा
मेरा जो डेली रूटीन है आपको अच्छा लगा होगा एंड उसके बाद में एंड मेरे बाल अभी अच्छा से ग्रीन को मैं ड्राई कर लूँगी, ड्रायर से यूज़ नहीं करूँगी, नेचुरल तरीके से अपने आप ये सूख जाएंगे, मैं ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ, ड्रायर से बाल आपके बहुत दोमों की समस्या आ जाती है तो मैं अब इसका यूज़ नहीं करती हूँ बहुत कम, मतलब अर्जेंट में बहुत जल्दी चाहिए होगा तो अर्जेंट तो मेरे को ऐसा कुछ पड़ता नहीं है इस वजह से, तो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ एंड उसके बाद मैं लगा लेती हूँ वैसली या फिर लिप बाम निव्या का अपने हो लिप्स पे। दैट्स इट, आई होप आपको ये मेरा विंटर केयर अच्छा लगा होगा एंड हाँ मैं बॉडी पे नारियल का तेल लगाती हूँ क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है इस टाइम में, तो नारियल का तेल आपको लगाना चाहिए, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ऐसा। मेरा कोई मतलब मेरा नॉर्मली ये मैं फेस के लिए इतना ही केयर करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ एंड हाँ यदि मैं बाहर से वापस आती हूँ तो मैं नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं बस उसको क्रीम लगा लेती हूँ एंड उसके बाद उसको छोड़ देती हूँ। एंड आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए मत जाना, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यदि चाहते हैं आप नाइट डे क्रीम लेके नाइट केयर रूटीन लेके आऊँ तो आई विल लव टू शेयर विद यू, बट अभी रिसेंटली आप मॉर्निंग रूटीन में मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या मैं यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कितनी बार बोलूँगी तो के मतलब पार्टिसिपेट कीजिए गिवअवे में एंड मस्ट फॉलो ऑल रूल्स एंड जितने लोग भी पार्टिसिपेट करें उन सबको ऑल द बेस्ट एंड बिकॉज अभी तो बहुत टाइम है तो फिर आप लोग जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए, और नया साल आने वाला है तो विनर के नेम भी अनाउंस हो ही जाएंगे तो पार्टिसिपेट कीजिए वीडियोज़ को, प्लीज़ उनसे बोलिए वीडियो को पूरा देखें उसके बाद लाइक करें शेयर करें लाइक कमेंट करें उसके सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ही उसको भगवान ने क्या हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम भी ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आई होप नॉर्मल लुक आपको अच्छा लगा होगा एंड उसके अलावा ना मैं कोई क्रीम लगाती हूँ ना कुछ नहीं लगाती एंड मेरी स्किन को मैं ऐसे ही छोड़ देने वाली हूँ। मैं काजल वगैरह लगाती हूँ